नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अपने अगले आईपीओ जो है कि बहुत ही लोगों ने उसका इंतजार कर रहे थे, काफी दिनों से मना रहे थे कि आईपीओ आना चाहिए। और इस बहुप्रतीक्षित, आई विल से लॉन्ग अवेटेड आईपीओ ऑफ द पेटीएम इज देयर नाउ। टुमारो इट इज ऑन द रोड एंड यू नीड टू नो वेदर इट विल प्रॉफिटेबल और नॉट। जितना इसका आप लोग इंतजार कर रहे थे, क्या वास्तव में ये आपको उतना पैसा देने वाला है? नहीं है, यही डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ अपनी पीपीटी शेयर करता हूं, सो दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इन व्हाट डायरेक्शन दिस इज गोइंग टू प्ले आउट। सो दिस बात करें आपको साहब, 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड और पेटीएम आईपीओ एज वेल नोन। सो आईपीओ डेट जो है 8 नवंबर यानी मंडे, ट्यूजडे एंड वेंसडे। इट इज फेस वैल्यू 1 रुपये, 208180 एंड 2150 के इक्विटी शेयर वैल्यू पे है। 6 शेयर मिलेंगे यानी 2150 रुपये में 6 शेयर। मैक्सिमम आप 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो 90 शेयर्स का गेम है। इसमें 18,300 करोड़ का ये आईपीओ, जिसमें 8,300 का फ्रेश इशू है यानी जो कंपनी को आप दे रहे हैं, और 10,000 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है यानी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर लेके जा रहे हैं साहब। अब बेसिस पर जो अलॉटमेंट है वो 15 नवंबर को है। इनिशियल रिफंड 16 नवंबर हो जाएंगे। क्रेडिट ऑफ शेयर्स जो डिमैट ऑन 17 नवंबर एंड 18 नवंबर को लिस्टिंग इसकी हो जाएगी। तो 18 नवंबर को आपको पता लग जाएगा लगभग 10 दिनों में कि आपको कितना प्रॉफिट होने वाला है साहब। अब अगर मैं इसी चीज को आपके साथ और डिटेल से डिस्कस करूं साहब, तो यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स जो इस कंपनी के बारे में मैंने पहले ही कहा कि कंपनी का जो बहुत ही पहले आईपीओ आने वाला था और ये कंपनी एक बहुत प्रतीक्षित लोग इसका इंतजार कर रहे थे, ये सबसे बड़ा इनके पास एक कस्टमर बेस है। लेकिन अगर आप मुझसे बात करेंगे इस कंपनी के बारे में, तो जो आईपीओ फ्रेंजी रही है पिछले कुछ महीनों में, चाहे वो जोमेटो को लेके हो, स्टार्टअप कंपनियों को हो, हाईटेक कंपनियों को लेके हो, उसी का फायदा उठाने के लिए ये जो आईपीओ मुझे आया हुआ लग रहा है। क्योंकि इसमें ऑफर फॉर सेल जो है वो बहुत बड़ा है। 18,300 में से 8,300 तो कंपनी के बाद 10,000 जा रहे हैं जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, और उसमें से भी प्रमोटर एग्जिट कर रहे हैं विजय शेखर साहब। इसमें से यानी बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं हांगकांग के, जो इन्वेस्टर्स हैं डेनमार्क हॉलैंड के, या जो से अली बाबा है, दे ऑल आर एग्जिटिंग। सो बेसिकली जिन लोगों ने इस कंपनी को खड़ा किया, दे ऑल आर गोइंग डाउन एंड गोइंग आउट एंड दे आर हैंडिंग ओवर टू द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स। सो उन्होंने जो कुछ किया उसका फायदा लेकर निकल रहे हैं, और अब आपके ऊपर है कि आप इस कंपनी के किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उसका कैसा प्रॉफिट आता है। इस कंपनी ने एक तो आज तक साहब प्रॉफिट नहीं कमाया, पहली मोटी चीज, लगातार लॉस में है। इवन कोरोना काल में जब सारे लोग पेटीएम और बाकी चीजें यूज कर रहे थे, गूगल पे वगैरह, उस समय भी ये लॉस में है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके साथ प्रोडक्ट खराब है, सबसे ज्यादा इनके पास यूजर हैं, रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स हैं, इनके साथ पास मर्चेंट ट्रेडर्स हैं सबसे ज्यादा, इनके पास सबसे ज्यादा डिवाइसेस हैं, सब अकाउंट हैं, इनका जो पेमेंट बैंक है वो अच्छा काम कर रहा है, जो फास्ट है वो अच्छा काम कर रहा है, पेमेंट इंस्ट्रूमेंट जो है इनके विच अलाउज डिजिटल वॉलेट, सेफ वॉलेट, बैंक अकाउंट्स, बाय नाउ पे लेटर, वेल्थ मैनेजमेंट, थर्ड पार्टी इंस्ट्रूमेंट यानी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दूसरों के बेच रहे हैं, पे बिल्स पे कर सकते हो, टॉप अप कर सकते हो क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा से। तो ये जो इनके साथ आप काम कर रहे हो उससे इनको प्रॉफिट आ रहा है साहब, ट्रेवल एंटरटेनमेंट के लिए हम इसका बहुत ही कम है, इसके कारण लगातार लॉस में है। आप जब बिल पेमेंट करते हैं इनको कमीशन मिलता है, यानी जो भी आप इसके थ्रू करते हैं, फीस स्कूलों की आजकल पेमेंट आप करते हैं तो उससे आपको कमीशन मिलता है। सो जो इसकी कंपनी में मेन लोग हैं, विजय शेखर शर्मा साहब को सभी जानते हैं, आज एक हर इंडस्ट्रियलिस्ट है, हर नया बच्चा जो है जो बिजनेस पढ़ता है उसको विजय शेखर शर्मा जी उसके लिए एक इंस्पिरेशन है। मधुर देवरा इज अनदर की पर्सन इन दिस कंपनी हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपनी फाइनेंसेज एक्सेट्रा, बिकॉज गर्ग अगेन ही इज ऑल्सो सी एफ ऑफ द कंपनी हु इज टेकिंग केयर ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट। अब इसके जो बुक रनिंग मैनेजर्स हैं वो मॉर्गन स्टेनले, गोल्डमैन सच, एक्सिस बैंक, एक्सिस कैपिटल, आईसीआई सिक्योरिटीज, जेपी मॉर्गन है,
और ये जो कंपनी है इसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन शेयर बाय प्रमोटर्स है वो साहब 50 पैसे, 3 रुपए, 9 रुपए, 15 रुपए, 441, 532, 749, 800, 1707, 1820, 1830। अब इनकी जो एवरेज कॉस्ट है साहब वो बहुत कम आ जाती है, तो लगभग उसको ये हमें बेच रहे हैं साहब 2150 रुपए में, जो एक कॉस्टली है, बहुत हाई वैल्यूएशन है। जो इनका लॉस पैटर्न है, बिजनेस मॉडल उसका देखता हूँ, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। दूसरा, पेटीएम जो है वो लिस्टेड, इसका कोई पीर नहीं है, डिविडेंड दिया नहीं है, क्योंकि लॉस मेकिंग है तो डिविडेंड कहाँ से डिक्लेयर करेंगे साहब। अब बात आती है कि क्या इस कंपनी के पास कोई रिस्क है। देखो साहब, रिस्क दो तरह से है इसमें। एक तो रेगुलेटरी रिस्क हो सकते हैं, कल सरकार को ऐसा लॉ बना दे जहां पे इस तरह के मर्चेंट बैंकर्स को या जो इकोसिस्टम वाले हैं, डिजिटल इकोसिस्टम, उनके लिए कोई सरकारी रेगुलेटर आ जाए, उनके कमीशन वगैरह के ऊपर एक नकेल कस दे इनके ऊपर। दूसरी तरफ है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा आ रहा है, यानी आज के तारीख में गूगल पे है आपके सामने, फोन पे है आपके सामने, लगभग हर बड़ा ई कॉमर्स कंपनी वॉलेट सिस्टम रन कर रहा है। अमेजन आपको पेमेंट करने का, पेमेंट ट्रांसफर करने का फैसिलिटीज दे रहा है आपके सामने, लगभग सारा कुछ जो कुछ ही दे रहे हैं। इसके अलावा आपके पास गूगल पे के थ्रू आप सारा काम कर सकते हैं, मिंत्रा है, नाइका है, सभी। तो बेसिकली एक्सक्लूसिव जो 2016 में जब मोदी साहब ने डिमोनेटाइजेशन किया, उस समय जो इनके बारे में इमेज बनी थी, वो इमेज कहीं ना कहीं अब आपको ध्वस्त होती हुई लगती है। तो अब अगर इन सब के बावजूद, ये मुझे लगता नहीं कि इतना कंपटीशन होने के बाद ये कंपनी कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। और क्योंकि ये अगर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर सकती, और इन्होंने जो रिस्क दी है कि 38, पेज नंबर 38 और 39 पे, क्योंकि इसने अपनी जो ह्यूज कैरी फॉरवर्ड लॉसेस करके लाए हैं निगेटिव अर्निंग्स को, और इनके पास जो कंपनी की निगेटिव पी है उसके कारण, तो मुझे लगता नहीं कि इसमें साहब पैसा बहुत ज्यादा बनने वाला। हाँ, लॉन्ग टर्म है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, फिर कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो व्यक्ति लॉन्ग टर्म की बजाय शॉर्ट टर्म में इसको देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो लिस्टिंग गेन 150 रुपए से लेके 200 के आसपास की उम्मीद करे और अपना लिस्टिंग गेन ले और निकल जाए। क्योंकि आप देखिए, जितने बड़े प्रमोटर्स हैं वो सब इसमें, या जो इनका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर ग्रुप है, वो सारे निकल रहे हैं, चाहे सैफ मॉरिशस हो, सैफ पार्टनर इंडिया हो, एलिवेशन कंपनी हो, FII होल्डिंग्स हो, सिंगापुर ई कॉमर्स कंपनी यानी अलीबाबा हो, आंट फिन हो, SBF पार्टनर हो, केमैन, देन आपके जो ये जो पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, 8,8300, 10,000 करोड़ तो जाएगा साहब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, तो उसमें से 4,300 तो ये जो पेटीएम का इको सिस्टम डेवलप है उसके लिए करेंगे, और 2,000 करोड़ बिजनेस इनिशिएटिव वगैरह के लिए करेंगे। इसके साथ जो बेसिक इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छे हैं, जैसे फास्टैग वगैरह है, वो सब इनका अच्छा है। 28 बिलियन रेवेन्यू ऑपरेशन इनको आता है, 4 ट्रिलियन इनका मर्चेंट वैल्यू है, 6.4 बिलियन ट्रांजेक्शन हैं, 337 मिलियन कंज्यूमर्स हैं, 69 बिलियन इन्वेस्टेड वैल्यू इन वेल्थ वेल्थ प्रोडक्ट्स हैं इनके पास, 3 मिलियन ऑफ लोन्स इन्होंने डिस्टर्ब किए हैं। अब ये जो लोन डिस्पर्स करने लगे हैं एज ए पेमेंट बैंक, वो इनका एक प्रॉफिटेबल बिजनेस लॉन्ग टर्म हो सकता है। और दूसरा, ये लॉन्ग टर्म में मैं आपको बताऊं कि यही कंपनियां एक आपके लिए अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनियां बनेंगी। कंपनी की जो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पोर्टफोलियोज हैं, दैट इज गोइंग टू बी द प्रॉफिटेबल इन फ्यूचर। आई विल सजेस्ट एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू डू इट फॉर शॉर्ट टर्म, यू कैन अवॉइड। अदरवाइज लिस्टिंग एग्रीमेंट के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए जाइए, 150 रुपए से लेके 200 का प्रॉफिट मिले, पहले 2 दिनों में लीजिए और निकल जाइए। जब दोबारा करेक्शन हो जाए, लगभग 1500 के आसपास आ जाए, खरीद लीजिए दोबारा। मेरे हिसाब से 1400-1500 के बीच में इसका सही प्राइस बनता है, लेकिन इन्होंने साहब बहुत ज्यादा ऊपर प्राइस किया, तो 600-700 रुपये ऊपर है, क्योंकि साहब ये बहुत बड़ी हाइप थी। 3100 था किस समय ग्रे मार्केट में, जहाँ अनलिस्टेड शेयर्स की ट्रेडिंग होती, लेकिन अभी वो 2150 पे क्यों आया साहब? तो कई लोग जो जिन लोगों ने ग्रे मार्केट से अभी लास्ट में खरीदा होगा वो तो सब फंस गए। प्रीमियम मुझे लगता है ज्यादा ज्यादा 150-200 रुपए मिलेगा। और फिर जो लॉन्ग टर्म का है, जिनका सरप्लस कैश पड़ा है, 2-3 सालों में जरूरत नहीं है, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, दैट इज प्रॉफिटेबल। थैंक यू मेरे दोस्तों, अपना प्यार बनाए रखिए और इसको आगे बढ़ाइए रहिए। थैंक यू वेरी मच।